उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यूपी से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। यहां भले ही नेताजी और कांग्रेस दोनों गठबंधन की बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। यहां मायावती ने बीजेपी और एसपी पर सांठगांठ का आरोप भी लगाया है। यहां मायावती का कहना है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन का आखिरी फैसला बीजेपी के नफे नुकसान और इशारे पर ही होगा। मायावती का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी से यह सब करवा रही है। साथ ही यहां मायावती ने नोटबंदी को लेकर भी बीजेपी को घेरा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि नोटबंदी से गरीबों को परेशानी हुई है, बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग बीजेपी के झांसे में ना आए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। मायावती ने कहा कि सरकार पर दंगों के दाग हैं और ये दाग कभी नहीं धोए जा सकते। उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी के लिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोर पकड़ चुका है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये दंगल और दिलचस्प हो जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।